अभी उन्होंने कह के गए थे कि पूरा पानी इसमें डालना है भर के, तो मैंने भी गमलों में भर के पानी डाल दिया। आज हम कुछ सीखते हैं। चलिए, जिनको पौधों का शौक है ना, और जो पौधों के शौकीन है, मतलब पौधों में दिलचस्पी रखते हैं, आज आप मेरे साथ रह सकते हैं। तो चलिए, मैंने आज कुछ सीखा है, मेरे जरिए आप लोग भी कुछ सीख सकते हैं। मिलकर देखते हैं। ये वीडियो मैं बना रही हूँ 7 दिन बाद। देखिए, माली भाई ने जो पौधा मुझे लगा के दिया था, ये कितना अच्छा से ग्रो किया है। अगर आपको देखना है कि माली भाई ने कैसे इस पौधों को अच्छे तरीके से गमले में रिपोर्ट किया, ये पूरा गिर चुका है, इसका सारी जो चाइनीज रोज था उसका सारा पंखुड़ी यहाँ पर गिर गया है। ये न्यू फिर से ग्रो हो रहा है छोटे छोटे, और ये अभी बस उग ही रहा है, और इसमें न्यू कलिया भी आ चुका है, ये देखिए। चलिए, आप लोगों को अगर देखना है आज की वीडियो तो बने रहे चैनल पर और देखते रहिए, और जरूर मेरे ख्याल से आप लोग भी नया कुछ जरूर सीखेंगे। ये माली भैया जो है ना, ये सारा प्लास्टिक इस थैले में ले लिया। अब आप बताओ कि आप इसको क्या करते हो। इस प्लास्टिक को मैंने कहा था कि आप मेरे डस्टबिन में डाल दो, इन्होंने मना कर दिया। क्यों मना किया ये बताओ आप, कि आप इन जो फटे पुराने प्लास्टिक है इसका क्या करोगे? इसका जैसे जाएगा इसमें केमिकल डाल के भी गला जाएंगे। अच्छा, मतलब तुम अभी बताया था ना कि पॉल्यूशन नहीं करनी है। पॉल्यूशन मुझे नहीं करना है। प्रदूषण अगर कचरा खाना रहेगा तो प्रदूषण रहेगा, बीमारी फैलेगी, इसलिए बीमारी हम लोग नहीं करना। हाँ, मतलब प्लास्टिक फैलाने से हमारी पर्यावरण को क्षति होता है, तो हमारे पौधों को भी नुकसान पहुंचता है। ये पन्नी जो है पौधों में अगर पड़ जाएगी फिर पौधा नहीं बढ़ता है, वही जगह पर रुका रहेगा। हाँ, इसलिए इनको इकट्ठा करके हमको नष्ट करना पड़ता है। अगर नष्ट नहीं करेंगे तो खतरनाक है, आदमी के लिए भी, पौधों के लिए, जानवर के लिए, सबके लिए नुकसानदायक है। तो आप लोगों को बता दीजिए कि हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। नहीं, गंदगी नहीं फैलानी, गंदगी फैलाओगे बीमारी फैलेगी। देखा, तो चलिए हमने आज इनसे भी कुछ सीख लिया। मतलब सीखने की कोई भी वो नहीं है, आप कभी भी किसी से भी सीख सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगा इनका ये लास्ट बात। ये सफेद वाला क्या है? ये पोटाश है। पोटाश, अच्छा। जैसे मिट्टी में कीड़ा मकोड़ा कीड़े हो जाते हैं वो नहीं लगेगा। अच्छा, कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा। और ये तुम्हारा खाद है लोकल? लोकल नहीं, वर्षा होती नीम खली खाद आती है। नीम वाली खाद? हाँ, ये नीम वाली बिल्कुल सादी खाद रखते हैं, हर पौधे में यूज करते हैं। नीम वाली खाद बनता कैसे है इसको? ये सब कंपनी से आता है। अच्छा, छेद कर दिया था गमले में? गमले में छेद कर दिया मैंने। ये बढ़ेगा ऐसे? ये वाला जो गुलाब बढ़ेगा, ये तो एक होता है वो क्रीपर्स वाला, दीवार पे चढ़ने वाला, वो थोड़ा लगाते गुलाब, तो बेल होता है। वो आता है तुम्हारे पास? है आओ, वो महंगा आता है, 1500 रुपए का पीस आता है। अच्छा, बिल्कुल इसकी तो खुशबू बहुत ही अच्छा है, इनमें इतनी खुशबू नहीं आती, उसमें ज्यादा खुशबू है। कितनी खुशबू? माली के हाथ के तो अलग ही होता है आप लोगों का। हमारा रोज का काम है, आप लोग ज्यादा जानते हो। मैं भी पौधा लगाती हूँ, जैसे टमाटर लगाए थे पिछले साल, बहुत उगा था टमाटर, आलू। हम लोगों को नॉलेज होती है कितनी खाद कितनी मात्रा में पड़ती है इसमें। अच्छा, ये अलग अलग है, एक नीम का खाद था और दूसरा
ये फुटास है नहीं, और दूसरा पैकेट में दूसरा टाइप का दिखा मैंने, दोनों ही नीम का खाद था, दोनों ही नीम की खाद ही होती है, फुटास डाल रहा हूँ बस सिर्फ। अच्छा फूल तो नहीं गए थे इनमें छेद करना? ये इनमें सब में छेद मैंने कर दिया है। अच्छा। ये क्या लोग तोड़ के क्या डाले? अच्छा मिट्टी हो जाएगा मेरे ख्याल से, नहीं होगा मिट्टी है थोड़ा सा रुक जाओ मैं देती हूँ। मैं जहाँ से कट्टे से ले आई हूँ ना उसका मिट्टी इतना अच्छा नहीं है, तुम्हारा मिट्टी देखने से ही पता चल रहा है ये खेत वाली मिट्टी। हाँ ये उतना अच्छा नहीं है, पर इससे खराब तो नहीं हो जाएगा ना? नहीं खराब होगा। ये ज्यादा इसमें रेत ज्यादा है, है ना? पानी ले लेता है बहुत, बट कोई फायदा नहीं होता। अच्छा नीम वाली खाद कितने दिनों के अंतर अंतर डालना होता है? एक महीने का। अच्छा ये भी बहुत नकली बेचा जाता है पता है? कौन सा? ये नीम वाली खाद भी मैं ले आई हूँ, तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था किसी किसी को। इस पौधे को थोड़ा सा देख लो तो कैसे ये वाला सही हो जाए। ये ठंड का मौसम है ना, इसीलिए मैंने इस बार सोच के ही रखा था कि एक दो गुलाब के पौधे जरूर लेना है। तो ये एक एक पौधा मुझे 150 रुपए का लगा। ये चाइनीज गुलाब है और इसकी खुशबू उफ बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही अच्छा है, इसकी खुशबू एकदम सेंटेड है। और यहाँ मैंने एक और पौधा लिया है गुलाब का जिसमें कली अभी आ ही रही है, दिखाते हैं आपको। ये देखिए एक दो और इसमें न्यू मतलब ग्रो कर रहा है बस। हाँ इसमें अभी फूल एक भी कली यहाँ है नहीं, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, क्या पता आगे चल के इसमें भी कली आए। अरे इसको देख के ही मेरा मन जी ललचा गया था, ये इसको तो घर लेकर ही जाना है।